देवरानी जी आज रात ही काल कोठरी में ना रहिया आप, चला जैसे कहा भाई, चला चला जाए जैसे। एक मिनट भाई कहा। हे भगवान, भाभी जी एक मिनट, हम बोरी लगा देता नहीं, सबके ये लगी कि आप जिठानी जी शांत हो जाएं, बताएं ता भैल कहा। कुछ ना रखल बा परिवार में सिवाय दर्द और तकलीफ के, समझ नहीं आप, चल जाइए कोठरी से, हम भगाए बाप के, चला जैसे, चला चला जाए जैसे। आप काहे कर लाई भैल कहा, जिठानी जी बताएं बाप हमके। देवर जी तारा के जलावे खातिर आ रहा बाड़े। जिंदगी भर के अपन दुश्मनी के निशान तो हर शरीर पे लगावे आलर बाड़े हो, हम आपसे करल बानी, चल जा और अपन जिंदगी जिया, परिवार ने के ही नरक बा। कौन सोच में पड़ गई ला। ना हो सकी, तोहरा से ही ना हो सकी, जा अपन दुल्हन के पास जा। ऐसा ना हो सकेला, भले ही हमार शादी वो हालात में भइल रहे, पर फिर भी वो हमार पति हैं और वो ऐसा ना कर सकेले। हाँ थोड़ा सा अकड़ू हैं, पर हमके पता है उनकर पास दिल है, और जकरा पास दिल हो खेलाना वो केहू के से नुकसान ना पहुंचावत हैं। और रहल बात हमके शारीरिक नुकसान पहुंचावे के, तो उनकर पास बहुत सारा मौका आयल रहे ऐसा करे खातिर, पर आज तक हाथ भी ना लगेले वो हमके, काहे कि वो ऐसा कर ही ना सकेले। कितना जाने लू तू देवर जी के, देवर जी सबसे पहले माँ जी के बेटा जी बाड़े, ओकर बाद में कुछ, और आप उनकर दुल्हन होके से पहले एगो चौहान। देवर जी बात कबो ना भूली है, और माँ जी कबो ई बात उनका के भूले ही ना दी है, यही से आपसे हाथ जोड़ के बिंदी बा चल जाए। माने कि वो अपन अम्मा जी के बेटा है, और हमके ही घर में अपन अम्मा जी खातिर ही लायल रहले, और हमार जगह पैर के जूती से ज्यादा ना हा, पर भाभी जी उनकर आंख कुछ और कहेली, देखनी है हम उनकर आंख में। मानने की प्यार ना करेले वो, पर अब नफरत भी ना करेले, और ये बात पता है हमके। गलत फहमी बात आ रखे, देवर जी बस अवते हो गए लोहा की छड़ी लेके और तह रखे जला दी है वो, अब चल जाइए जैसे। अगर गलत फहमी है तो दूर हो जाए, जे राक्षस हमके ये घर में शादी करके लायल रहे, वो राक्षस हमके अपन दोस्त के शादी में ना जाए दे, और वो दरवाजा वो कबो ना खुलत। हम दोनों वो राक्षस के देखले हैं, लेकिन हमके यकीन है कि वो राक्षस के अंदर के एगो इंसान जिंदा है, और वो ऐसा कब्बो ना करिए ये हमार विश्वास है, और हमके अपन विश्वास पे पूरा विश्वास है। आप अपन कमरा में जाएं, आप आराम से सूत जाएं, भरोसा करी वो ऐसा कब्बो ना करिए। और आज इम्तहान है हमारे विश्वास के भी।
दुल्हन के सही जगह अपन ससुराल में होखेला ना, तम खुद ही आ गए नी। शेर की अर्धांगिनी शेरनी ही होई ना। तू ही काले राले ना कि राक्षस के जान चिड़िया में अटकल है, तम चिड़िया बहनी ना। और तू अब सबके सामने तम तो के ना बोल सके नी राक्षस। खाए से पहले हम कैसे खा ली, पत्नी तो पति के खाए के बाद ही खावे ली ना। धन्यवाद कहे कि आप हमारे खातिर दरवाजा खोले रहनी ना, ताकि हम अंदर आ सके। शुभ दीपावली। बेटा जी, 15 साल पहले जब चौहान पे हमने भरोसा कैली तो यह हाल हो गल रहे हमार। अब वो चौहान के लेकी पे तू भरोसा करे वाला बड़ा, तो हमार भविष्य तो यह होके वाला था। करा साबित कि तू अपन बाप के मौत ना बोलना, करा साबित कि तू हर माँ के वादा तहरा के याद बा, करा तू साबित। ना हो सके तहरा से ही ना हो सके, जा अपन दुल्हन के पास। जी का भइल अंबिका, ओ देवी के देवी। भैया जी कुछ ना भइल हा, आप बुरा सपना देखले हुई हैं। एक मिनट पानी ले। भैया जी देवी के कुछ ना भइल हा, बहुत खुश हो। ओकर फोन आयल रहे, आपके बारे में भी पूछत रहे। वो पहला बार अपन घर में लक्ष्मी पूजा कैले हा। पता न, मगर कुछ अच्छा न लग रहा है, बहुत बहुत घबराहट हो रहा है। भैया जी आप दिन रात एक ही बारे में सोचत रहे ले, एक खातिर ऐसा हो रहा है। आप लेट जाएं। भैया जी लेट जाएं, लेटी आराम से आराम से। जा उर्मी, पूरा सुजानगढ़ में मिठाई बटवावा, करवावा सबके मुंह मीठा, आज हमार जीत के जश्न बा। मान गई नी अम्मा जी, ये घर के मालकिन एक ही आ और एक ही रही, पर अब ता देवर जी भी कर ही देले।
कैसे ना करता। हमार बेटा जीबा, हमारा देश, ओकरा खातिर पत्थर के लकीर बा। केहू के कुछो बने से पहले वो हमार बेटा बा। भगवान से भी बढ़ के मानेला हम रखे। उर्मी जा, जाके देखा वो खूबसूरत बला के का हसर भइल बा। जी अम्मा जी। ओ कबो ना भरे देव और लेके अब बारी तुहार। कहाँ गई लो लेकी? देख के लग रहा बाकी बहुत ही गहरा जख्म दे देले बा देवर जी। घाव तो भर जाला परू निशान छोड़ जाला आत्मा पे। कौन भाषण देवत रलो तू दिन हमके कि जिंदगी सबके मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देवत था और आपन रास्ता खुद ही चुने के पड़ेला। तो अब हमके बतावा तोहार सामने कौन सा रास्ता बा? बहुत गुरूर करत रहेली तू अपन सुहागन होवे पे। अब देखा
तोहार माथा के सिंदूर और तोहार शरीर के घाव दोनों ही तोहार सुहाग के निशानी बा, और ऐसा निशानी जकरा तू कबो चाह के भी मिटा ना सकेलो। कहे कहलू जवाब नहीं खेता रहा पास ना बा जवाब। अरे कहे कहलू कहे कहलू साहब, जब 15 साल से तारा और हमारा बीच में कोनो रिश्ता ही ना रहे, जब तारा काम के बीच में ना आईनी ना ही अपन काम खातिर तारा आगे हाथ फैलेनी, तब फिर आज ही कहे होके देलू कहे। जब से होश संभल ले वाली तारा आगे कबो हाथ ना फैलेनी, अपन बलबूता सब कहनी जिंदगी जीनी सौरत कमाईनी पैसा कमाईनी, अपना बलबूते पे कहनी ना अपराध कैले बानी हम, लेकिन तहरा आगे कबो हाथ ना जोड़नी तो फिर काहे करवा देलू हमरा हाथ से हाजी। वो लड़की तो तहरा पे बहुत विश्वास कैली ना, ओकर विश्वास के का सबसे पहले उठेली स्नान करेली ताकि तहार पूजा कर सके, तारा आगे वो हाथ जोड़ के तहार सेवा कर सके, पर तू का कैलू ओकरा साथे। जहां तू विराजमान बाड़ू ना हमार ई हमार कमरा हा, हमार कमरा में तहार स्थापना खातिर लेकी का ना साली, लेकिन फिर तू का है कैलू ओकरा साथे ऐसा। लोग कहे लेके कि भगवान अपन भक्त लोग के तकलीफ ना देवे ले, उनका सहायता करे ले, पर तू उलेकी के साथ काहे ना देलू काहे। उलेकी आज तक हमके राक्षस समझता रही, ओकर नजर में हम तो राक्षस रहनी, पर आज यादिराज अजावत अपन खुद के नजर में राक्षस बन गईल बा खुद के नजर में, एकर इंसानियत के कोनो वास्ता नहीं खे। कहा करवा देलू हमरा हाथ से। हाथ से बहुत बड़ पाप हो गई। ही अपराध हम कबो न कैले बानी आज तक, लेकिन तू करवा दे। पर कौन बात, तारा आगे हाथ ना फैली ना 15 साल से, आज बिना फैलाई ये पाप के सजा हम खुद अपना आप के दे, वो भी तारा सामने दे। देखिया तू
अरे 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 ई लड़की ना सुधरी, कहाँ जा रहा है बड़ू तू? ई उपटन हाथ में लेके? हाँ जेठानी जी, ओ देवरानी जी के घाव हो गए ना, तो हम सोचत रहनी की उपटन। अरे वाह, तू बतैलू ना हमके कि केसर बहु भी अब सोचे लागल बा। हाँ अब सोचे रहल हो तो इना सोच लू कि अम्मा जी के हुकुम के खिलाफ जाके अगर तू लड़की का मदद करबू तो फिर तोहार का होए? काहे कि फिर तो अम्मा जी तो के भी उहे जुबान में समझाई जे में उ देवी के समझैनी। चली तो के केहू रोवत है तो रोवे दा, कोनो जरूरत ना केहू खातिर मलम लेके जावे के, समझ लू? चल जा। और सुना, ई हमके दे दा, अब जा जा। चारी देवरानी जी कैसे मदद करी है उनकर, कुछ समझ में ना आ रहल बा हमार। हे भगवान, आप यहाँ पे भाभी जी जाइए, आप इस घर में दुख और दर्द के अलावा कुछ ना, जाइए आप, अगर अगर क्यों देख ले ले आपके यहाँ पे ऐसा हालात में भी आप दूसर की चिंता करता नहीं, हमरा बारे में सोच रहा बानी, हम कर भी कह सकता नहीं, सिर्फ अपन आंसू दे सकता नहीं तुम्हारी दर्द पे। सही रहनी आप, सही रहने, बिल्कुल सही रहने, और हम गलत जे मर गईल हा ओकरा कबो जिंदा ना कैल जा सकेला। पता ना राक्षस के अंदर के इंसान कब से मर गईल हा, सब खत्म हो गईल हा, हमार हर कोशिश, हमार हर प्रार्थना सब बेकार। भाभी जी हार गए नहीं, हम हार गए नहीं ना देवरानी जी, हम हार गए नहीं, और हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद सब चकनाचूर हो गई। अभी भी उम्मीद बा, ये विश्वास के कम ना होके दिया। ये दवाई खुद देवर जी बिजवेले बाड़े तारा खातिर। ए मलम ए लगा ली, आपके दर्द कम हो जाए।
बहू देले हैं ये आपके? हाँ। वापिस ले जाए, ना चाहिए हमके। पहले दर्द दे ले, फिर मलहम। काहे अपना आपके महान बनावे खातिर कह दिया अपन देवर जी के, जिंदगी भर उनकर देहल दर्द के सहले, पर उनकर दिहल मलहम से इस जख्म के ना भरब हम। आपके आपके नाराजगी तो देवर जी से बाना, फिर मलहम से कैसे? हाँ छोड़ता नहीं, आपके विनती करता नहीं, लगवा ली, कितना दर्द सहा माप। एक बात बोली आपसे, मलहम भी उहे भिजवावे ले जिनका अपन गलती पे पश्चाताप हो खेला। पश्चाताप सिर्फ इंसान के हो खेला, राक्षस के ना। गलत रहनी हम जो समझ बैठने की राक्षस के अंदर के इंसान जिंदा हा, दर दे के उकरा ऊपर मलहम लगा के महान बने के चाहते हैं आपके देवर जी। पर याद रखब हम आपन पति के दिहली तोहफा के, कहे की याद दिलाई हमके आपन बेवकूफी और अपनी हार के। ले जाइए आप इकरा, शरीर के घाव के ठीक करल जा सकेला, क्यों के टीटल विश्वास के ना। अरे मतलब का बतहारी बात के, जब नीलामी में छोट छोट बात ना हो सकेला तो फिर कहे कहेला कि हम ही कर ले, बू कर ले, सब कुछ कर ले हम। देखी बात होना हम, दरअसल जयपुर और जोधपुर से कई बड़ बड़ कंपनी आ रहा है इन नीलामी में हिस्सा ले रहे, बस यह खातिर हम। यह खातिर का? अभी करता नहीं तरह के फोन हम। काबिल भाभी जी वापस कहे ले लू? देवर जी हम बहुत कोशिश करनी पर मलहम लगावे से मना कर देनी देवरानी जी। ना रुक रहा कृषु, छतरी बंद करे के बाद भी दिल पे हाथ रख के बहुत याद कर रहे तू लोगन के, तू भी हमके याद कर रहा हो ना। जी कौन सा गाँव देवे आयल है? तोरा के पता बनाओ कि ई घर में तोहार स्वागत फूल के सेज पे ना हुई, तोरा के अच्छा तरह से मालूम रहे कि तोरा के यहाँ पे दुखी मिली। सब कुछ जाने लू तू,
कि तोहरा साथे घर में का हुई दुख मिली तकलीफ मिली तोहरा के दर्द मिली फिर कौना बात के अफसोस हो बोला बहुत बड़ गलती कर देनी जो तोहरा खातिर मलहम भेज देनी बैठा यहीं पे दर्द के साथ है यह तोहर सजा हो विजयी भवा आज तू साबित कर देले बड़ा कि तोहार रगों में राजावत के खून के साथ साथ ओकर नाम के साम भी बहेला जोन कबो पीछे ना हटेला कहा बात बे बेटा जी कौन चिंता में बड़ा तू कुछ ना मजीव एगो नीलामी बाबा सुही के बारे में सोचता नहीं अरे अधिराज राजावत के साथ ओकर माँ के आशीर्वाद बा और ओकर खुद के मेहनत और करम बा फिर चिंता का है के जीत तो हार ही होगी वह बात के तो चिंता बा अम्मा जी फल अच्छा कर्म के मिलेला और कर्म अगर बुरा होके तो सजा मिलेला देवी चौहान एगो माँ के अपन बेटा से दूर करबू इतना ताकत नहीं खे तहरा में आज हमार कहला पे हमार बेटा जी तो हर बदन पे दाग देले बड़े ई दाग रजावत नाम के डर के बा तो हर चेहरा पे जोन डर बा ना वह तो ताकत बा रजावत के ये डर तो हर चेहरा से कबो न जाए के चाहिए हमार बेटा जी तो हर पीठ पे दाग दे ले चेहरा का है छोड़ दे ले कुछ काम हमार वास्ते भी तो रहे के चाहिए तब जाके तो हमरा के सुकून मिली में खुशखबरी दा लईकी के का ले ले बाड़ू ओकरा खातिर जी अम्मा जी अभी पता चल जाए बहुत दर्द हो रहा जेठानी जी छोड़ दी दर्द हो रहा अम्मा जी ज्यादा कुछ तो ना मिलल बस दिवाली के कुछ पटाखा बच गए रहे सोचने की अगली दिवाली तक तो खराब हो जाए तो आज ही इस्तेमाल कर ली उका है ना कि तुहार साथ दिवाली मना ना सकली चाचा जी से मिले गिल रहलू तू अम्मा जी के हुकुम के टाल के फिर आज दिवाली मना ली ठीक है वैसे पढ़ा लिखल बाड़ू ना तूता समझ गई लोगों कि यहाँ पे कहा हो रलबा जैसे ही अगरबत्ती खत्म होई सुतली बम के लागी और तुहारी सुंदर चेहरा जकरा से तू लुभावत फिरलू ना सबके
उहे खूबसूरत चेहरा पे बुम। पता और कितना इंतजार करे के पड़ी हमरा के। मालिक उ जयपुर वाला पार्टी जिकरा बारे में आपसे बतैले रही, ऐन मौके पे आके उ ऑक्शन से बैकआउट कर ले। आप चिंता ना करी, अब हमार जीत पक्का। का रिपोर्ट है भाई? हम जयपुर से आ रहे हैं, वहाँ तो ये खबर मिल रही है कि हमने के जीते के चांस बहुत अच्छा है। हमके भी वही के इंतजार बा। तू इतना टेंशन में का है बड़ा? अरे तू इतना मेहनत कर ले हा, कबो अपन कोनो चीज में कमी ना आवे दिले। वो कर्म के फल तो के मिली हमार भाई, रिलैक्स। ना जेठानी जी, ना 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 ना, छोड़ दी हमके। शुभ दीपावली। चलिए अम्मा जी, इससे पहले कि बॉम्ब फट जाए। का बात, तू शांत रह के बजाय टेंशन में काहे लग रहा बड़ा? का भइल? हेलो, केकरा का फोन रे? रिजल्ट आ गल का बताओ ना। हार गए नहीं हम लोग? हार गए ली का करे ला दी? अरे कैसे हार सकते हैं, हम तो पूरा तैयारी करके आए रहे ना, ये बार सब कुछ हमारे फेवर में रहे यार, हार कैसे सकते हैं हमने? हमार कर्म हमरा साथ ना रहे। हाँ बेटा जी बोलो, काम काज ठीक चल रहा बा ना? काका कुछ ना अम्मा जी, हो बस हवेली के हाल चाल के बारे में तनी। बेटा जी हवेली के चिंता तू मत कर, तो हर माई बाड़ी ना सब कुछ संभाले वाली, बस तू अपन काम पे ध्यान दे। जी अम्मा जी। कल रात के देवी के बारे में बुरा सपना आई ला, अभी एक कांच की टूटल। कोनो बात ना, इता होत रहेला ना। देवी के मैसेज भेजले रहना, कोनो जवाब आइल ना? पर देवी ता हमेशा हर बात के फौरन जवाब देवेली, पर अभी का है ना। तो अंबिका एगो काम करा, ओकरा फोन लगावा अभी तुरंत ये वक्त। हम लगावत हैं, एक मिनट। पूछा के कैसे भी आऊं?
काबिल ओ उठाना रहा लाई हम और एक बार ट्राई करा था नहीं उठा रहा था देवी मां बचा ला हमके लेकी तहरा के सबक सिखावे के खातिर हमार घर और हमार शान के भूख न दी हम कहे कि तोहरा से ज्यादा प्यारा बा इकाल कोटरी हमरा के हम तहरा के जलावे न चाहत रहनी सिर्फ डरावे चाहत रहनी तुहारी डर ही त हमार बदला बा याद रखिया लईकी ये तो हमार बदला के शुरुआत बा आगे आगे देखा का हो खेला कम नहीं के आप जाना तानी नौकरानी भी दो दिन अपन परिवार से मिल सकेली बात कर सकेली उनका से लेकिन हाँ पिया के लाल रहले ये लोग हमरा घर में और हमार सुहाग भी कबो परवाना कहले हमार और वे आल आपके और अलवा हमरा के बहुत डर लग रहा अलवा देवरानी जी आपके देख के ऐसा लगत रहे एको एको उम्मीद के किरण जगल बा रजावत हवेली में भी दुल्हन के तरीका बदल सकेला बाकी बाकी ये ना समझी रहे कुछ ना बदली आई जा डोली से लेके अर्थी तक कुछ हो ना बदली हमेशा इस नहीं रहे पर आप जानत नहीं हमार डर का हो गए कि कहीं आपके तकदीर सहमल बेजुबान लाचार केसर जैसन ना हो जाए के देख के एक उम्मीद के किरण जागल रहे हमरा अंदर ये उम्मीद के धीरे धीरे कम होते ना देख सकब हम चल जाए जैसे बहुत अंधेरा पाए जा हेलो नमस्ते चाचा जी हम केसर रचावत बात करता नहीं हाँ जी बोली ना वहाँ सब ठीक बा ना देवी ना बिल्कुल भी
एक नहीं की देवरानी जी। हम जा रहा ले, अभी ये वक्त जाए हम। भैया जी का करल है यहाँ? हम अपन बच्ची के लेवे जा रहा ले। भैया जी हम ओकरा नरक में ना रहे देव। भैया जी करे दिया जे करे के बा ओकरा। भैया जी कर लियो, हमरा साथे जुर्म करी ना, कह लेवे दिया लेकिन हम अपन बेटी के वहाँ ना रहे देव। भैया जी रुकी, आपकी तबीयत अभी तक ठीक ना हा, और आपके का लागा था कि सिर्फ आपकी और देवी की लड़ाई है? ना ना, हम सब के आना, आप चिंता मत करिए। देवी के वो नरक में हम और ना रहे देव। देवरानी जी का करल बानी आपी? संभले के कोशिश, उठे के कोशिश, हम कहीं ना जाए, यह रहब। ठीक कहले रहले अधिराज, जब ही घर में आईनी हम, फूलों के सेज सोच के ना आयल रहनी, और कुछ काटा के लगे के वजह से हम हिम्मत ना हार सके नहीं। और जेठानी जी डोली आवे और अर्थी जाए के बीच में जिंदगी हो खेला, वो जिंदगी हमके जिए के हा, आपन जिंदगी के बर्बाद ना होवे दे सकेनी। बहुत उम्मीद है ना आपके हमरा से, हम आपके उम्मीद के ना टूटे देव, हमार कृषु के उम्मीद के ना टूटे देव। कृषु के इस जिंदगी भर के जो विश्वास है ओकरा ना टूटे दे, ओकरा बतावे के हा हमके कि जब हमने कुछ ठान ली तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हा, हम ओकरा खूबसूरत बना सकत हैं। और भाभी जी, जब भी घर में हम आईनी बहुत अंधेरा रहे, केहू के ना जानत रहनी, तब वो इतना हिम्मत रहे हमरा में, अब तम आपके जानत हैं, आपन मकसद के इतना करीब हैं हम, इतना आगे बढ़ चुकल हैं, तो अब हम हार कैसे मान सकेनी? हम ये लड़ाई बीच में ना छोड़ब। अधिराज में उम्मीद हा कि ना,
वो मायना ना रखेला। जरूरी ई हा कि उम्मीद ढूंढे के हिम्मत हमरा में बचल हा कि ना, और वो हिम्मत हमरा में आ गई हा। और जिंदगी भर केहू भी डर इतना बड़ा ना होखेला कि उम्मीद के ऊपर चल जाए। लड़ाई लड़े खातिर जख्म के खुला ना छोड़ल जा सकेला, यही खातिर अब आपन जख्म पे मलहम लगाई हम, चाहे वो अधिराज ही काहे ना देले हुए, पर एकर मतलब ई ना हा कि हम उनकरा माफ कर देनी। अधिराज के इलाज करे खातिर हमके ठीक होवे के ही पड़ी, और ओकरे तैयारी करब हम। आप हमार साथ देबा ना भाभी जी? हाँ जेठानी जी। कुछ भी हो जाए आप फिर से उम्मीद जगा ही देता नहीं। मालिक एक कुछ पेपर हा जिकरा पे आपके साइन चाहते रहे। इले चाकू चाकू गाड़ी में करो पेन। हाँ पेन। मालिक आप ठीक तो हैं? आपके तबीयत खराब लग रहा था, हम बाद में आवत हैं। हमार तबीयत बिल्कुल ठीक बा। का चलत बा? और ये कौन गाना सुनत बड़ू तू? ये दफ्तर हा कौन गाना सुने के जगह नहीं के। हमार दफ्तर में ये काम करा आयल बड़ा तू? लोग गाना सुना आयल बड़ा? जा जा के काम करा। पिया ले रहा ना कि राक्षस के जान चिड़िया में अटकल है, तो हम चिड़िया बहनी ना। और तो अब सबके सामने तो हम तो के ना बोल सके ना राक्षस। तरह साबित की तू अपन बाप के मौत के ना बोल ला। लगा था दागू लड़की के बदन पे। ना हो सकी तहरा से ही ना हो सकी। जहां तू अपन दुल्हन के पास जा। काहे काहे हम काहे काहे करबी? ई ना कर चाहत रहनी हम। ई का कर देनी? ई का कर देनी? ई हम ना करे चाहत रहनी।
अम्मा जी चूड़ी एक बार देख ली। लावा दिखावा। भीख मांगते मांगते रास्ता भूल गई बड़ी का। अम्मा जी हम बस अपन बेटी के वापस ले जावे आयल हैं। रजावत हवेली में तोहार कोनो लड़की नहीं खे। जो लड़की बहु बने खातिर आयल रहली वो अब ए घर के नौकरानी बाड़ी। वो लड़की आयल रहली अपन मर्जी से, बाकी जाई हमार मर्जी से। दोनों परिवार के बीच में जे कुछ भी भइल उमें हमार बच्ची के का वास्ता। वो बेचारी के तो कुछ पता भी ना। सुंदर बाना लेकिन ओकरा बाद भी अधिराज के साथ शादी खातिर हाँ कहलस। जे इघर में बहू बन के आयल रहे इघर में नौकरानी बनकर रह रहा बिया। आज तक कुछ ना कहलस। अम्मा जी फेनो आप ओकर पेट इतना साल पहले जे कुछ भी भइल उमें ओकर का कसूर। आप काहे कर रहा है ओकरा साथ ऐसे। अभी तो तू बोल कि उफ तक ना कहली लड़की। बाकी जौन हमार खिलाफ फरियाद कहली अपन काका जी के ओकरा तू का कहबा। अम्मा जी का फर्क पड़ेला कि हमके के बतेले होके। वो बच्ची ता चुप रह के सब कुछ सह रहा ना। ओकरा और से सब मत दी अम्मा जी। हमके हमार बच्ची वापस कर दी। हम आपके सामने हाथ जोड़त है। अम्मा जी यो बच्ची के सुख देखे के खुशी देखे के दिना ऐसा ना करी ओकरा साथ। हरा वाला दू दर्जन दे दा। माफी मांग रहल बाड़ा। बाकी माफी के मांग रहल बा? चौहान के लैका लैकी या वो लैकी के काका जी और बुआ जी जौन हमरा सामने हमार हवेली के चौखट पे खड़ा होके दो हाथ जोड़ के हमरा से माफी मांग रहल बाड़े। चाय लावा। एक जेठानी जी ई छोटका चाचा जी और बुआ जी वो यहाँ पर आए हैं। हाँ ओ हम तरह से ही बात छुपेले रहनी। हम ही उनका की खबर देले रहनी जन तरह साथ भइल ओकरा बारे में। बोलावा। अम्मा जी अम्मा जी हम आपसे हर गुनाह के ये सुपारी सही नहीं खे। मजा ना आई। तू अपन सब पुरखन के माफी मांग रहल बाड़ू। तै एगो काम करो नीचे बैठा नजर झुकावा और माफी मांगल शुरू करो। कि हम आपके घर के सिंदूर आपन मांग में ना सजैनी। कहे कि आपके घर के सिंदूर तब बाही श्रापित हमार देवी के उस साया के वजह से उस श्रापित सिंदूर श्राप मुक्त हो गई। हमार देवी वरदान है घर खातिर। समझ लेंगे आप। अम्मा जी हम आपसे हर गुनाह के माफी मांगत है जे जाने अनजाने में हमरा से या चौहान परिवार में से केहू के भी हाथ से भइल होके। हम जाने चाहेनी
तू अपन लाडली खातिर का कर सकेला? हम कुछो भी कर सकते हैं अम्मा जी, हम के बस हमार बच्ची वापस कर दी। अब कनीना घुटना पे आ जा, अम्मा जी हम आ गए नहीं, हम के हमार बच्ची वापस दे दी। हम कुछो भी कर ले अम्मा जी, कुछो भी। ये सुपारी सही बा, बहुत बड़ा शब्द बोल दे तू, कुछो कर सके लो। दुलारी ये कह रहल बड़ी कि अपन लाडली खातिर कुछो कर सकेली, तो एक काम करा, अपन सारा साथी के बोला आज छुट्टी, जा। अब काबा रजावत हवेली में आज दो दो चौहानन के कदम पड़ल बा, फरस्ता गंदा हो ही गइल बा, सफाई करे के पड़ी। सफाई शुरू करो। अम्मा जी अब जे भी कहब हम अपन बेटी खातिर करब। तो करो। तू खड़ा खड़ा का देख रहा बड़ा, रजावत हवेली में नौकर भी सज धज के काम करेला, जा नौकरन वाला अच्छा कपड़ा पहन के आवा। बाकी पहले उर्मे शुरुआत एकरा से करो, पहिना गिर गए दुश्मन, समधन के समधी आयल बाड़े, चाय तो पी के ही चाहिए। भरत चौहान चाय पिया। चाचा बच्ची के का हालत कर दे ले ही लोग। भैया जी गलती हमार हा, हमके यहाँ पर आवे देवे के ही ना चाहत रहे,
हवान के घर में रहे की कोनो जरूरत ना बेटा, तू चला, तू चला हमरा साथ। तो अब एक पल भी यहाँ ना रहे थे, इनका जी करे के हुए कर लिए, बाद में देख ले। तू चला, तू तू चला। ना ना ना, एगो बेटा माँ के आदेश मान के ई जखम दहलस, जकर सारा दर्द हमार पति के मरहम से दूर हो गई। सुख दुख में जे साथ दे, ऐसने पति के ही दुआ करेलन ना सब, हमके भी ऐसने पति मिलल। बीतल दिन के फिक्र करके कुछो ना हासिल होई, आप लोगन के सीख हमके हमेशा ही याद रही। आवे वाला हर चुनौती के हम हिम्मत से सामना करब, आपके दिहल सीख से आज हम अपन कल लिखब। और शरीर पे ही तो सिर्फ जख्म है, हमार हिम्मत के ना तोड़ सकेले। जाइए आप, विश्वास करी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुहार खुशी ये में हो कि तू इस परिवार के को अच्छा बहू बना, अच्छा बहू अपने आप के साबित करो, तो कर। हमके तोरा पर पूरा भरोसा। देवरानी जी चली। अरे अम्मा जी, भाई लगो अम्मा जी, का करो तारू तो इतना रात के बैठे बैठे। तारा से कितना बार कहले बानी के हमारे इंतजार मत कैल करा, हमारे इंतजार ना कैल करा। तारा से कितना बार कहले बानी, भूख लगल बता खाना खा। का भइल बेटा जी? नीलामी के तरह से कलर रानी ना के हमार करम हमरा साथे नहीं के, कलर रानी की तरह से नतीजा हमरा साथे नहीं के। नतीजा आ गई लम्मा जी, हार गई नहीं हमने, नतीजा आ गए, आ गए, नतीजा आ गए। ए हम्मा जी, तोहार बुढ़ा हड्डी में इतना, तोहार बुढ़ा हड्डी में इतना। लड़की के जलेला पीठ पे, ऐसे तोहार करम तोहार साथ ना देलस। लड़का सही सही बता दा, लड़की खातिर तोहार दिल में हमदर्दी बा? ऐसे मरहम भेजला लड़की खातिर? हाँ मरहम भेजनी हम अम्मा जी, वो देवी खातिर मरहम भेजनी हम, कहे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वो दुश्मन के लड़की के खातिर तू अपन माँ के खिलाफ जेबा? खिलाफ ही तो ना गई नी अम्मा जी, अपन दिमाग इस्तेमाल ही ना कही नी। जो अम्मा जी कहनी वह तो कैली, अधिराज वह तो कैलस, पहले वह कैली। जो अम्मा जी कहनी दाग देनी, दाग देनी उ लड़की के, फिर हम ऊ कहनी जो हम चाहत रहनी, भेज देनी मरा हम चाहत रहे। तारा के पता बचपन में हमरा हाथ से जब भगवान के मूर्ति टूटत रहे तो तू का कहत रहे? तारा के याद बा? तारा के याद नहीं खे?
पर हमके सब याद बा अम्मा जी, सब याद बा। तू कहले रहलू के बेटा जी खंडित मूर्ति प्रार्थना ना सुनेली, याद बा ई कहले रहलू। तब से लेके आज तक तहरा मंदिर में कदम ना रखनी हो और तहारी बात तिहा बसा लेनी, कहे कि अम्मा जी कहले रहली ना, मान ले। जब खंडित मूर्ति हमार प्रार्थना ना सुने तो जौन देवी हमरा खातिर शुभ बाड़ी ओकरा खंडित कैसे कर सके, कैसे करी ओकरा के खंडित। ई ना करे चाहत रहनी हम उदेवी के खंडित ना करे चाहत रहनी हम उदेवी शुभ बाड़ी। ई हवेली खातिर, तहरा खातिर, हमनी के धंधा खातिर, सबके खातिर शुभ बाड़ी अम्मा जी, शुभ। तहरा कहल बात हमरा खातिर पत्थर के लकीर है माना, पर अब बुरा कर्म खातिर हमरा रास्ता में मत आइया, दोबारा मत आइया। हमरा से ना हो पाई सब, ना हो पाई, हमरा से ना हुई। नया जख्म देवी के चाहते ही हमके। तारा के ठंड लागत बाओ लेकी। पता ना आप का नया मुसीबत लेके आए रहे, अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो रहे दी ना पूजा। देवी माँ भी जाने ली, तहरा के आराम के बहुत जरूरत बा। जिनकरा से हमके शक्ति और ताकत मिला था और जिनकर वजह से ही तम ही घर में आए लें, उनकर ही पूजा छोड़ दी। एक यह था जे हमेशा हमार साथ हो खेली, चाहे दिन हो या रात। एगो बात पूछी, कल आप झूठ काहे बोलनी कि आपके देवर जी के दिहल जख्म से ज्यादा उनकर दिहल मलहम से सुकून मिलल बा, ताकि हमार परिवार के लागे कि उनकर बेटी यहाँ पे सुरक्षित है। जी परिवार हमार ताकत है, हम उनकर कमजोरी कैसे बन सकेली जेठानी जी, जिनकरा बार बार हमार वजह से बेइज्जत होवे के पड़ा था। और उम्मीद के जे रास्ता सोच के हम आयल रहनी होता अधिराज, अब देवी माँ ही कोनो रास्ता दिखाई हमके। लागत था दफ्तर चल गई ले। अच्छा भाई, अब हम अपन पूजा कर पाए। रक्त चंदन सब
हेलो हमार बात सुने छे तो पहले मना कर दे ले रहा तो अचानक का हो गई जे भी भाई भला भाई बस ये मौका चूक के गया ना तरह के बाद में फोन कर अब हम हां चला पहला गोम्मा जी विजयी भवा बेटा जी तो हर माथा पे ही का बा का कि पत्नी जब आपके जीवन में आवेली तब अपन भाग्य अपन साथ लेके आवेली का पता तो हर भाग्य ही बदल दे मालिक जी आपके तक किस्मत खुल गई डूबा भैल शेर भी आसमान छूरा लई आपके का लागत था इस समय हम अपना खातिर कर रहे हैं इस समय हम आपके खातिर पूरा परिवार खातिर कर रहे हैं बधाई होके मालिक जी ये मॉल वाला टेंडर सुजानगढ़ के बिल्डर खातिर भी खुल गई ला कुछ ना अम्मा जी हो पूजा करत वक्त देवी से लग गई टीका तो कुछ ना बिगड़ी ना अम्मा जी लगा रहे दो का फर्क पड़ेगा पाए लगा तरी